हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायरा आज आपके लिए लेकर आई हूँ डेंगू बुखार से जुड़ी हुई कुछ बातें। जी हाँ, डेंगू बुखार के लिए सारी बातों का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डेंगू से जुड़े हुए लक्षण, डेंगू के ठीक करने के लिए क्या उपाय और उपचार किए जाते हैं, इन सारी बातों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपकी दोस्त नायरा आज अपनी इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगी कुछ ऐसी बातें जो जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। पॉइंट नंबर वन, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किस मच्छर के काटने से आपको डेंगू रोग हो सकता है। एंडिज नामक मच्छर हमारे शरीर के अंदर संपर्क में आके खून के अंदर अपना वायरस छोड़ता है, जिसकी वजह से हम डेंगू की चपेट में आ जाते हैं। ये मच्छर ज़्यादातर दिन के समय पर काटता है। पॉइंट नंबर टू, ये तो रही बात उस मच्छर के बारे में जिसके काटने से हमारे शरीर के अंदर डेंगू रोग प्रवेश करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेंगू का मच्छर हमारे शरीर के किस हिस्से पर ज्यादा काटता है या फिर ज्यादा डंक मारता है? डेंगू का मच्छर हमारे शरीर के कोहने के पिछले एरिया पर या फिर घुटने के पिछले एरिया पर ज्यादा डंक मारता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको हमेशा फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए। पॉइंट नंबर थ्री, कुछ लोगों को डेंगू बुखार हो जाता है लेकिन फिर भी वो उस बुखार के लक्षणों को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। मांसपेशियों में खिंचाव, सर दर्द रहना, बुखार, थकावट, ये सारे वही लक्षण हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर डेंगू रोग के होने की संभावना को जताते हैं। इसीलिए अगर आपको भी ये सारे लक्षण नजर आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको डेंगू रोग हो गया हो। पॉइंट नंबर फोर, डेंगू बुखार लगभग 10 से लेकर 14 दिन तक आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। शुरुआती दिनों में ये बहुत ही ज्यादा हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके उतरना होता है, लेकिन ज़रूरी है कि आप डेंगू बुखार के उपज में अपने आप का ध्यान अच्छी तरीके से रखें, दवाइयों और फल फ्रूट का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। पॉइंट नंबर फाइव, डेंगू रोग से बचने के लिए और अपने आप को एंडीज मच्छर के डंक से बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप पूरी सुरक्षा पर ध्यान दें, अपने पर्यावरण में स्वच्छता पर ध्यान दें, आसपास पानी और गंदगी को जमा ना होने दें। ऐसा करने से आप ना ही सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी डेंगू रोग से बचा सकते हैं। डेंगू रोग किसी को भी हो सकता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, टीनेजर हो या फिर बुजुर्ग। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे टिप्स और ध्यान रखने योग्य बातें जो कि आपको डेंगू रोग की चपेट में आने से बचा सकती हैं। इन सारी बातों को ध्यान रखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।